हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएफ भर्ती 2018 के लिए मैथ के 100 क्वेश्चन की सीरीज मैंने स्टार्ट की थी और ये उसका पार्ट टू है। इससे पहले जो पार्ट वन अपलोड किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो को आप देखने के बाद में आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको हर एक पार्ट का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। और प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन वो है जो आरपीएफ की परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसमें आपकी पूरी मैथ कवर हो जाएगी। तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है सारी वीडियोस, तो इनको जरूर देखिए और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर डाल के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चन कवर कर लूँगा। और कोशिश करिएगा कि आप भी साथ ही साथ आंसर देते रहें और प्लीज़ एक लाइक तो जरूर करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन है आपका चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से। इसमें बोला जा रहा है 8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जबकि वार्षिक ब्याज दे है, यानी कि ईयरली आपको इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 8,000 आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे दी, जो रेट है वो कितना है 15% का है और जो टाइम है वो 2 वर्ष 4 माह है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं चक्रवर्ती ब्याज को बिना किसी फॉर्मूले के, वो आज सीख लीजिए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे 8,000 का 15% तो आप सभी निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले ईयर में बस 8,000 का 15% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, ये 1200 आ गया। यानी कि 2 साल 4 महीने का, 2 साल 4 महीने में से आपका 1 साल तो हो चुका है ख़त्म, अब आएंगे दूसरे साल पे। दूसरे साल में आपको क्या करना है, जो 1200 आया है ना आपका, ये 1200 तो फिक्स रहेगा हर एक साल में। ठीक है, पूरे साल का इंटरेस्ट है 1200 जो कि फिक्स है, 1200 तो आपने एज इट इज़ ऐसे ही रख दिया। फिर इस 1200 पे 15% निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। ठीक है, तो ये 1200 जो है इस पे भी ब्याज आपको लगाना है, तो 15% इसका निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 180। ठीक है, तो यहाँ तक आपका 2 साल का तो पूरा कंप्लीट हो चुका है काम, आपको निकालना है 2 साल 4 महीने का, तो 4 महीने का और निकाल लीजिए। तो ये 1200 तो कितने हैं पूरे साल के हैं, तो 1200 को 1200 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 12 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 12 महीने का है, तो कितना आएगा 100, और 4 महीने का हमें चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 400। तो यहाँ पे अब की बार 1200 नहीं लेंगे क्योंकि 1200 तो पूरे साल का है ना इंटरेस्ट, हमें चाहिए सिर्फ 4 महीने का, तो 400 ये आ जाएगा। जो तीसरा साल का 4 महीने है ना सिर्फ, उसका हमें निकालना है, तो तीसरे साल का पूरा नहीं निकालना है। और ये जितना ऊपर इंटरेस्ट है कितना, 1200 1200 2400, ये 180 कितना हो जाएगा 2580 का आपको निकालना है 5%। 5% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 15% पूरे साल का है, तो 15 को 12 से डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा और 3 से 15 को कट करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि आपको पूरा 15% नहीं निकालना है, जो तीसरा वर्ष है ना वो कंप्लीट तीसरा वर्ष नहीं, उसके सिर्फ 4 महीने का आपको चाहिए। समझ गए ना आप जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे 2580 जो है ना, इसका सिर्फ 5% निकालिए, पूरा 15% नहीं निकालना है। 15% तो पूरे साल का हो गया, हमें चाहिए सिर्फ 4 महीने का इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 5% इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कट जाएगी, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, 2 से इसको काटेंगे आप 258 को तो आ जाएगा 129। ठीक है, तो बस इनको प्लस कर लीजिए, 1200 1200 2400 और 400 और प्लस 180 और 129 कितना हो जाएगा 3109, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये मिश्र धन भी पूछ सकते हैं, यहाँ से आपका अमाउंट भी पूछ सकते हैं, वो सब कुछ आप निकाल सकते हैं अगर आप इतना चीज़ सीख गए हैं। यहाँ पे आपसे 3 साल का पूछ लिया जाता तो ये और भी सिंपल क्वेश्चन हो जाता, 3 साल में आपको यहाँ पे सिर्फ सीधा सीधा 1200 रखना था और जो ये आपका आता ना 1200 1200 2400 और ये 180 यानी कि 2580 का आपको 15% ही निकालना था, क्योंकि वो पूरे साल का पूछा जाता। तो यहाँ पे पूछा गया 2 साल 4 महीने का, भाई समझ गया ना, अगर कोई भी डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल ज़रूर दोबारा से बताऊंगा। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट के 1-2 क्वेश्चन लेकर आइए ताकि हमारी थोड़ा सा रिवीजन हो सके, तो मैं 1-2 नहीं ज़्यादा भी लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज़ साथ साथ ट्राई भी करते रहिए, आंसर देने की कोशिश करिए, जितना आंसर आप दे पाएँ कमेंट बॉक्स में मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, यहाँ पे बोला है कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का
मूलधन का 2/5 हो जाएगा, यानी कि जो आपका साधारण ब्याज है ना वो मूलधन का 2/5, यानी कि 2/5 का मतलब आप समझ रहे, जो 5 है ना, 5 ये आपका मूलधन है, ये आपका मूलधन है और 2 आपका साधारण ब्याज है, यानी कि 5 पे 2 साधारण ब्याज कितने वर्षों में आ जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, आप सबको सभी सारी चीज़ पता चल गई। रेट आपको पता चल गया 8% है, मूलधन आपको पता चल गया 5 है, और जो आपका साधारण ब्याज है वो 2 है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 2/5 मैंने लिखा, 2 हो गया आपका साधारण ब्याज, 5 हो गया आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, 8% हो गया आपका रेट, और टाइम आपको निकालना है कि कितने समय में हो जाएगा 2, यानी कि 2/5 कितने वर्षों में हो जाएगा साधारण ब्याज। देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज का आप सभी को फॉर्मूला पता है, SI बराबर P(R)(T/100। इसी क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे अलग अलग मेथड से करते हैं, बहुत हार्ड बना देते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी देखिएगा कितना सिंपल बन चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना है, SI का यहाँ पे हो जाएगा 2, प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 5, और आर आपका 8 दे रखा है। टाइम आपको निकालना है, डिवाइड कर दीजिए 100 से। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यह 100 की 100 2 में करेंगे तो 200 हो जाएगा, और 8 × 5 = 40, टी बराबर कितना हो जाएगा 200/40। तो 200 को 40 से कट करेंगे भाई, 0 से 0 जाएगी, 4 से 20 जाएगा 5 बार, यानी कि 5 ईयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे जाइए दोबारा से फिर, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा कितने वर्षों में होगा। तो यानी कि साधारण ब्याज मूलधन का कितने वर्षों में हो जाएगा 2/5, यानी कि 2 कितने वर्षों में हो जाएगा, 5 आपका मूलधन है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा ये सोचने की जरूरत नहीं कि 2/5 दे रखा, अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको समझाई गई उसी तरीके से करिएगा, कभी भी आंसर आपका गलत नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे बोला जा रहा है 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है, इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:5 हो जाए। देखिए 200 ग्राम जो है आपका मिश्र धातु है, जिसमें जस्ता और तांबा है 5:3 के रेशो में। तो सबसे पहले इनको अलग कर लेते हैं, ठीक है। 200 ग्राम तो आपके पास टोटल मिश्र धातु है जिसमें जस्ता और तांबा है इस रेशो में, तो इस रेशो में हम 200 को डिवाइड करेंगे तो 125 और 75 आ जाएगा, यानी कि जस्ता आपका 125 ग्राम है और तांबा आपका 75 ग्राम है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:5 के रेशो में बदल जाए। कितना ग्राम तांबे की सिर्फ बात की जा रही है कि तांबा कितना मिला जाए, तो तांबा आपके पास कितना है 75 ग्राम है, तो 125/75 हम करेंगे। तो पूछा जा रहा है कि तांबे में कितना और ग्राम मिलाया जाए, तो ये हमने एक्स प्लस कर दिया इसमें, ठीक है, कि रेशो 3:5 बन जाए, कि 3:5 बोला ना कि 3:5 बन जाए, तो 3:5 यानी कि 125 का तो 3 हो जाए, और 75 प्लस एक्स जो हमें प्लस करना है इसमें उसका 5 हो जाए। तो यहाँ पे भी बिल्कुल आपकी एक सिंपल सी इक्वेशन बन चुकी है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी कई बार इस तरीके की इक्वेशन सोल्व करा चुका हूँ। यहाँ पे आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की इधर करेंगे 625 हो जाएगा, और 75 की 3 में करेंगे 225 प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, 625 में से 225 को माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 400, और 3x बराबर 400 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 133, सही 1/3। इतना ग्राम अगर और मिला दिया जाए तांबे में, तो ये आपका रेशो बदल के कितना हो जाएगा, 3:5 का रेशो बन जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तांबे का रेशो 5 हो जाएगा, और जो जस्ता है उसका रेशो 3 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि भाई ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए व बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में तथा सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले लिख लीजिए ए और बी 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में, और सी अकेला कितने दिन में करेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, ए बी का 10, बी सी का 15, और सी और ए का 20। इन सभी का ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 10, 15, 20 का 60, यानी कि ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क आ गया, कि ये जो 60 यूनिट वर्क को ए और बी मिलकर 10 दिन में कर लेते हैं, 60 यूनिट वर्क को बी और सी मिलकर 15 दिन में कर लेते हैं, 60 यूनिट वर्क को सी और ए 20 दिन में कर लेते हैं, यहाँ पर अकेला सी कितने दिन में करेगा 60 यूनिट वर्क को, ये आपको बताना है। तो जब भी हमें ये तो नहीं पता कि सी का अकेले का रेशो कितना है, सी अकेला करता कितना है, तो जब भी ये वाली डबल डबल वाली कंडीशन होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक का रेशो निकालने के लिए यहाँ पे सी दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया हुआ है, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं,
इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करने के बाद में ये इसमें सी है तो इसमें सी है, इसमें ये दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि इन दोनों के को माइनस कर देंगे, तो चार और तीन सात, सात में से छः माइनस करेंगे तो सी का रेशो आपका वन आ गया। यानी कि अगर मुझे सी का रेशो निकालना है ना तो सी को देखना है, सी किस किस लाइन में, उन दोनों को प्लस करिए और जो लाइन बच गई उसको माइनस कर दीजिए तो सी का रेशो आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे निकालना होता है मुझे बी का रेशो, तो बी किस किस लाइन में, बी इस लाइन में है और इस लाइन में है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे छः चार दस और यहाँ पे तीन माइनस कर देंगे तो बी का हमारे पास रेशो आ जाता कितना, तीन माइनस करेंगे तो बी का रेशो आ जाता सात। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि रेशो कैसे निकालते हैं जब भी डबल डबल आपको दे रखे होते हैं, ए बी बी सी सी ए इस तरीके से। यहाँ पे अब सभी डबल डबल हैं तो आपका ये कार्य जो आया है सी का ये भी डबल आया होगा, तो इसका मतलब आपको ये कार्य डबल करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो ये लिखा है ना, ये ए और बी का, ए भी दो बार रिपीट है, बी भी दो बार रिपीट है, सी भी दो बार रिपीट है, तो ये या तो आप इस कार्य को डबल करिए या फिर इनका जो ये कार्य आया वन को डिवाइड करिए टू से, तो जब जाके आपका क्वेश्चन सही होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको टू से डिवाइड मत करिए क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आने के बाद में कन्फ्यूजिंग बन जाएगा और क्वेश्चन हार्ड बन जाएगा, तो आपको क्या करना है हमेशा वर्क को ही डबल कर लेना है। ठीक है ना, जब ये दो दो पेयर में लिखे होंगे तो आपको हमेशा जो भी एलसीएम आता है ना उसको दो से मल्टीप्लाई करके डबल कर लेना है, तो आपका कार्य होगा 120। और यहाँ पे सी एक दिन में एक यूनिट वर्क करता है, 120 यूनिट वर्क को कितने दिन में करेगा, 120 दिन ही तो लगाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ कि ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ गए हैं और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 4 है, वह धनराशि है। यानी कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट बतानी है, यहाँ पे आपको साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बता दिया गया है 4 है। 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर है वो 4 है और रेट भी बता दिया गया 4% है। धनराशि क्या होगी वो आपको बताना है। देखिए इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है, ये डिफरेंस निकालने की ट्रिक होती है एक्चुअली ये। तो यहाँ पे आप अगर डिफरेंस दे रखा है तो डिफरेंस रख दीजिए, अगर डिफरेंस ही निकालना है तो तब आप 2 वर्ष में ये वाली ट्रिक को यूज कर लीजिए। पी यहाँ पे ब्रैकेट आर अपॉन में 100 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 साल की बात की जा रही है तो स्क्वायर करेंगे, अगर 3 साल की बात की जाती तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और बढ़ा देते, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, अभी यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो डी आपको दे रखा है 4, प्रिंसिपल आपको निकालना है और रेट दे रखा है 4% और अपॉन में 100, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। तो 4 बराबर P × 1/25 का स्क्वायर, और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625, तो P बराबर कितना हो जाएगा भाई, इसके हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 625 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2500। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका ये 2500 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन था जिसमें कोई भी ज़्यादा ट्रिक और उसकी ज़रूरत नहीं थी, बस एक ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला और ट्रिक। इसे अगर आप पता है ये आपको तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर कम से कम कितनी टाइल लगेगी, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कमरे की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कमरे की लंबाई बोली जा रही है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगी, 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर बोला जा रहा है, तो ये टोटल कमरे की लंबाई अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूँ तो 1517 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कमरे की चौड़ाई भी यहाँ पे बताई जा रही है आपको कितनी है, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी कि 902, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9 मीटर और 902 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी कमरे की चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे टाइल की प्रत्येक भुजा अगर हमें निकालनी है तो इन दोनों का हम एचसीएफ निकाल लेंगे, 41 आ जाएगा, ये 41 सेंटीमीटर टाइल की प्रत्येक भुजा आ जाएगी। तो बस आपको अगर इतना पता चल गया है तो यहाँ पे टाइल की संख्या निकालनी है, कमरे का क्षेत्रफल और डिवाइड कर देंगे एक टाइल के क्षेत्रफल से। ठीक है, तो कमरे का क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे, 1517 यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 1517 सेंटीमीटर गुना 902 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 41 सेंटीमीटर एक भुजा है टाइल की, यानी कि 41 × 41 कर देंगे यहाँ पे भी हम, तो क्या हो जाएगा इससे, 41 से जाएगा 37 बार और ये जाएगा 22 बार, तो 37 × 22 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 814, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टाइल कितनी लगेगी, 814 टाइल लगेगी, यही आपका राइट आंसर
आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अगर देखिए समझ में आ रहा है तो ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 180 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करेगी। देखिए जब भी रेलगाड़ी किसी लंबी चीज़ को पार करती है, किसी पुल को, किसी ट्रेन को, तो दोनों की लंबाई को प्लस करके ट्रेन की चाल से भाग कर देते हैं। बस इतना सा काम आपको करना होता है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पहले आ चुका है आरपीएफ में, तो देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि यार सिंपल क्वेश्चन लेके आ रहे हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कराए मतलब आ चुके हैं वो मैं क्वेश्चन करा दूं, तो चाहे वो सिंपल हो चाहे हार्ड हो, जैसे भी जिस भी टाइप के हैं, ठीक है ना। तो 270 मीटर प्लस 180 और डिवाइड कर देंगे 30 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेन की लंबाई है वो 270 मीटर है और जो पुल की लंबाई है जिस पुल को वो पार करती है ट्रेन 180 मीटर है और ये 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई और दोनों को भाग कर देंगे रेलगाड़ी की चाल से। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है भाई, 30 मीटर पर सेकंड, तो 270 प्लस 180 डिवाइड कर देंगे 30 से, तो कितना हो जाएगा 450 को गुना कर सॉरी डिवाइड करेंगे 30 से, तो कितना हो जाएगा 15 सेकंड, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई आपकी समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, ये अच्छे से सीधी सीधी सी चीज़ सारी मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 8 या 9 है, तो 8 मान लेते हैं इसको। ए का भार बी के भार से 10% अधिक है, तो बी का भार ए के भार से कितना प्रतिशत कम है ये आपको बताना है। तो देखिए ए का भार बी के भार से 10% अधिक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अगर बी का भार 100% है तो ए का भार 10% अधिक है, तो ए का भार 110% हो जाएगा। बी का भार ए के भार से कितना कम है, 10% है कम है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बी का भार ए के भार से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे देखे दिखने में तो आपका ये 10% लग रहा होगा, बट ये 10% नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है ए से कंपेयर करने के बाद में, यानी कि बी का भार ए के भार से कितना प्रतिशत कम है। तो ए का जिससे कंपेयर किया जाता है ना उसको नीचे हम ले लेते हैं। बी का भार ए के भार से कितना प्रतिशत कम है ये आपको बताना है, तो यहाँ पे ए का भार नीचे ले लेंगे तो 10/110 हो जाएगा और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 100 को हम 11 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 सही, 1/11 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप समझे किस क्या बोलना मैं चाह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे यही गलती कर देते हैं, ये 10% लिख के और अपना राइट आंसर मार देते हैं, ये राइट आंसर नहीं होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है, दोबारा से बताऊंगा कि बी का भार ए के भार से कितना कम है, तो भाई बी का भार जो है ए के भार से कंपेयर किया जा रहा है ना, इन दोनों के बीच में कंपेरिजन किया जा रहा है, किसके भार से, बी का भार ए के भार से, तो जिसके भार से कंपेयर किया जाता है तो उसका भार नीचे रखते हैं और जितना उनका डिफरेंस होता है उसको ऊपर रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो 0 से 0, 100 से 11 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 से 1/11, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्स की एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, यानी कि पासिंग परसेंटेज कितनी मिल गई आपको 40%, वह 178 अंक प्राप्त करके 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो तब कुल परिणाम क्या है, यानी कि टोटल अंक कितने होने हैं उस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको पासिंग मार्क्स परसेंटेज मिल गई, पासिंग मार्क्स अगर आपको पता चल जाए तो आपका काम बन जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि इसको पास कर देते हैं भाई, इसको 178 अंक मिले हैं और इसको 22 और दे दिया जाए तो पास हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है। पासिंग मार्क्स भी आपको पता चल गए, पासिंग परसेंटेज भी आपको पता चल गई, पासिंग परसेंटेज 40 है, पासिंग मार्क्स कितने हैं 178 प्लस 22 तो 200 है, तो आपको क्या करना है 40% इक्वल आपका 200 हो जाएगा, तो 100% इक्वल वोट 100% इक्वल कितना हो जाएगा, ये आपको सीधा सीधा 200 को डिवाइड करना है 40 से और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगी, 4 से कट जाएगा 20 आपका 5 टाइम और 5 की 100 में करेंगे तो 100 आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप यहां तक देखते हैं तो आप एक सीरियस स्टूडेंट है और सीरियस स्टूडेंट है और टॉपिक स्टडी के साथ में जुड़े हैं, तो लाइक तो जरूर बनता है। चलिए फिर, और हाँ दोस्तों अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अभी वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछना है उसका आंसर बताइएगा। यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 20 टेस्ट 120 रुपये में, आप इनको ले करके परचेज करके 120 रुपये में
लगाना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, और आरपीएफ वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप आरपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं तो 199 रुपये में परचेज करके टेस्ट लगा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपकी प्रिपरेशन में और आपके एग्ज़ाम में, ठीक है ना। और ग्रुप डी वालों का अगर बचा हुआ है टेस्ट, तो मतलब एग्ज़ाम बचा हुआ है तो ले सकते हैं। यूपी वीडियो ALPCVT 2 के लिए भी आप इनको परचेज करके लगा सकते हैं। हाँ, डिस्काउंट कोड जरूर लिख लीजिए, SAURABH SPL ये कोड है, अगर आप इसको भरते हैं तभी आपको 120 और 199 में 120 रुपये मिलेगा, अदरवाइज ये टेस्ट आपको महंगे मिलेंगे 149 में और इससे ज़्यादा में भी, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा बोटेनी स्ट्रीम का, ये वाला आप इसको ट्राई जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी आपको करना है मुझे चारों ऑप्शन में से राइट आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 10 ये है, 10वें का राइट आंसर क्या रहेगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देखूंगा मैं कितने बच्चे राइट आंसर करेंगे, और चाहे आंसर जरूर करिएगा चाहे राइट हो चाहे रॉन्ग हो, क्योंकि मैं ये भी देखूंगा कितने बच्चे यहाँ तक वीडियो को देखते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टॉपिक स्टडी टेलीग्राम पे जा करके, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जहाँ पे भी आपने मुझे फॉलो कर रहा है वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हमेशा रिप्लाई करूँगा। अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।